सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी में प्रवेश के लिए देश भर में एक ही परीक्षा नीट पर गुरुवार को सुनाए अपने फैसले को कायम रखा है और इसके मुताबिक देश भर में दो चरणों में ये परीक्षा कराई जाएगी। गुरुवार को इससे पहले केंद्र सरकार ने फैसले में बदलाव की अपील की थी और अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एआर दवे और एके गोयल की बेंच के सामने याचिका दायर की। उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए राज्यों को अलग परीक्षा कराने की अनुमति दी जाए। रोहतगी ने साथ ही कहा था कि 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर 24 जुलाई को एक ही परीक्षा ली जाए, जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नीट का पहला फेज 1 मई को होगा जबकि दूसरा फेज 24 जुलाई को संपन्न होगा। इस परीक्षा में 6.5 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने की संभावना है। संयुक्त परीक्षा का परिणाम 17 अगस्त को घोषित किया जाएगा।